आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अब तक न्यूज पर, और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। मैं जाबिर शाह, बोल के लब आजाद तेरे शो में आपका इस्तकबाल है। हम लोग कुछ दिनों से रोड, गटर, सड़कें, शौचालय और भ्रष्टाचार को लेकर काफी सवाल उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सर्वे नंबर 55 के शौचालय का सवाल उठाया, फिर 36 लाख रुपए से बन रहे नाले का सवाल उठाया। ऐसे अनेक सवाल हम लोग अब तक न्यूज चैनल की जो पूरी टीम है वो उठा रही है। आज हम लोगों सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरा की जो शौचालय 3 साल पहले बनाई गई थी। अच्छा, आप अगर महानगर पालिका से पैसा लेंगे घर में शौचालय बनाने के लिए, तो महानगर पालिका आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपया देंगी घर में शौचालय बनाने के लिए। और अगर आप अपने घर में शौचालय बनाएंगे तो अच्छी से अच्छी शौचालय संडास अगर आप बनाते हैं तो बहुत बेहतर से बेहतर भी अगर बनाए तो 50,000 से 60,000 रुपये में बहुत स्टैंडर्ड संडास बन जाती है। लेकिन अगर वही शौचालय वही संडास महानगर पालिका बनाती है, ठेकेदार बनाते हैं, तो एक संडास 1,10,000 रुपये से बनती है। जी हाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 20 संडास है, जहां पर 10 जेंट्स है और 10 लेडीज है बाजू में, तो ये 20 संडास 21 लाख रुपए से बनाई गई है। और उसकी हालत ये हुई है कि मैं आपको दिखाता हूं कि उसकी हालत ये हुई है कि 3 साल पहले 21 लाख रुपए की लागत से बनाई गई ये शौचालय की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो गई है। और भी आगे ये कि यहां से देखो इसको पैक कर दिया गया है, और ये इतना बड़ा इलाका है कि पूरा रमजान पूरे का जो हिस्सा है वो 57, 56 हुसैनिया मस्जिद का जो इलाका है वो सलाम चाचा रोड, शिकारी चौक और इकबाल डाबी के बाजार तक का लोग यहीं पर शौच करने के लिए आते हैं। और ये सब जो है तो बंद कर दिया गया है, पैक कर दिया गया। क्यों पैक किया गया है ये भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर आज से 8 महीना पहले नहीं, बल्कि जब ये संडास बनी थी उसके 1 साल के बाद ही इसकी जो टाकी थी वो फूट गई थी और इसमें एक शख्स भी गिर गया था, उस बात को दबा दिया गया। अब यहाँ पर इस तरह का काम का भ्रष्टाचार है कि 1 साल में ही टाकी उसकी बैठ गई, 21 लाख रुपए की लागत से बनी और उसकी टाकी बैठ गई। जब हमने ये संडास शौचालय चलाने वाले से बात की तो उसने कहा कि इसका रॉ मटेरियल जो था वो नहायती घटिया क्वालिटी का वापरा गया था, नहायती घटिया क्वालिटी का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसमें गज का भी वापर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये संडास बैठ गई है। अब इस भ्रष्टाचार पर आवाज कौन उठाएगा? इस भ्रष्टाचार पर अब तक न्यूज चैनल आवाज उठाएगा और इसकी पूरी तय तक जाकर कानूनी कार्रवाई करके हम इसकी तय तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। और इसका जिस लोगों ने इसका काम किया है, जिस कॉर्पोरेटर का इस पर लेटर लगा हुआ है, जिस ठेकेदार ने इसको काम किया है और इसमें जो जो महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं, हम सब पर ऊपर उन सब लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप का जो है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। हम न्यूज के साथ साथ इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी काम करते हैं। भी बढ़कर एक बात यह कि हमने इस इलाके के कॉर्पोरेटर को फोन किया तो कॉर्पोरेटर का बोलना यह आता है कि आप लेबर को जिसका ठेका था आप उसको बोलिए, ठेकेदार को बोलिए। अब ठेकेदार को फोन करो तो ठेकेदार फोन नहीं उठाता, और जो ठेकेदार है वो ये कहता है कि जिसने ये काम किया है जो लेबर कॉन्ट्रेक्टर था आप लेबर कॉन्ट्रेक्टर को बोलो, तो हर कोई एक दूसरे पर डालता हुआ नजर आता है। लेकिन मैं कहूंगा शहर के कमिश्नर साहब से, क्या इस भ्रष्टाचार पर कोई कानूनी कार्रवाई आप करेंगे? क्या आपको नहीं पता है? हम बार बार वीडियो के जरिए आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर में शौचालय हो, रोड हो, गटर हो, नाले हो, सारे कामों में भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जा रहा है, लेकिन आप किसी भी काम पर एक भी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट तैयार नहीं करते। क्या इसको हम क्या समझे और क्या समझा जाए कि क्या वजह है कि आप इन जैसे भ्रष्टाचार ठेकेदारियों पर आप कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज चैनल। कैमरामैन कलीम खाटिक के साथ मैं जाबिर शाह, जय हिंद।